कल दिल्ली में 28,867 पॉजिटिव केस आए थे। पॉजिटिविटी रेट था 29.21%। 31 डेथ थी। 2,424 बेड्स ऑक्यूपाइड थे और 13,000 से ज़्यादा बेड खाली थे, मतलब 85% से ज़्यादा बेड खाली हैं और 15% बेड ऑक्यूपाइड थे दिल्ली के अंदर। और आज शाम को जो अभी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो 25,000 से कुछ कम केस आने के चांस हैं। सर, लगता है कि जो पीक है वो अब खत्म हो रही है, आप बता रहे हैं 25,000 से कम आ रहे हैं, कोरोना मामले कम हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको, जो हॉस्पिटल एडमिशन था ना वो बढ़ना बंद हो गया है, स्टेगनेंट हो गया है। अब डेली एडमिशन बढ़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा इंडिकेटर वही होता है, जो नंबर्स हैं, पॉजिटिविटी रेट है, ये तो कम ज़्यादा होता रहता है, पर हॉस्पिटल नंबर्स जो हैं वो बढ़ने बंद हो गए हैं। ये बहुत बड़ा सुकून की बात है और संतोष की बात है। सर, एक मामले डाटा मिला है कि जो मौतें हुई हैं पिछले 5-6 दिनों में, उसमें वैसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हाँ, है। 75% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। दूसरी बात ये भी बता दूँ, जो डेथ हो रही है 90% से भी ज़्यादा कोमोर्बिड है, जिनको कभी कोई ना कोई गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर है, किडनी के काफ़ी सीरियस पेशेंट्स हैं और दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह से थी।